आज आपको बताने वाला हूँ 2017 की ओडीआई इसकी सबसे बेस्ट पांच परफॉर्मेंस, जो कि मुझे लगता है कि साल 2017 की सबसे बेस्ट पांच परफॉर्मेंस है। सबसे पहली जो परफॉर्मेंस है वो है केदार यादव की, जो उन्होंने पुणे में 76 गेंदों में 120 रन का 120 रन बनाए थे और भारत को मैच दिलाया जिताया था। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इंग्लैंड ने 350 रन का टारगेट भारत को दिया था और भारत ने शुरुआत में दो विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए थे, लेकिन केदार यादव ने विराट कोहली के साथ मिलकर 120 रन बनाए थे मात्र 76 गेंदों में और भारत को जीत दिलाई थी। केदार यादव ने अपना करियर का दूसरा शतक भी लगाया था। और जो दूसरी परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो थी एबी डिविलियर्स की, जो उन्होंने 104 गेंदों में 176 रन बनाए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उस गेम में एबी डिविलियर्स चोटिल होने के बाद कमबैक कर रहे थे और उनका फॉर्म भी अच्छा नहीं था और उन्होंने ये पारी बांग्लादेश के खिलाफ खेली थी और एक कमबैक किया था और क्या बहुत धांसु कमबैक था और इसी मैच में उन्होंने अपने करियर का 25वां शतक भी मारा था। और इस साल की जो तीसरी परफॉर्मेंस है वो थी पाकिस्तानी के बॉलर यंगस्टर बॉलर हसन अली, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चैम्पियंस ट्रॉफी में 24 रन देकर 3 विकेट लिए थे। ये मैंने इसको इसलिए चुना है क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अपना पहला मैच इंडिया से हार गया था और किसी भी हालत में साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान को हराना था। हसन अली ने 3 विकेट लिए जिनमें उन्होंने जेपी डिवनी, बेल पार्नेल और फैव डुप्लेसी का विकेट लिया था और साउथ अफ्रीका को 219 पर रोका, जो कि बाद में पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया और इसी परफॉर्मेंस की वजह से वो आगे जा पाए और आखिरी में उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी में फाइनल भी जीत लिया। और जो चौथी परफॉर्मेंस थी मेरे हिसाब से वो थी राशिद खान की। राशिद खान ने 18 गेंदों में 18 रन देके 7 विकेट लिए थे और ये पूरा मैच का रुख बदल दिया था। जैसा कि आप राशिद खान को जानते हैं वो अफगानिस्तान के टीम प्लेयर हैं और वो बहुत एक कमज़ोर टीम से आते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके वेस्ट इंडीज़ को 213 रन का लक्ष्य मिला था और वो 213 रन के लक्ष्य में उन्होंने 7 विकेट लेकर वेस्ट इंडीज़ को जीत दिलाई थी और पहली एक कंट्री बन गई थी जो टेस्ट नेशन प्लेयर ना प्लेइंग नेशन ना होकर वेस्ट इंडीज़ को उन्हीं की धरती पर हराया था। अब पांचवी और जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो थी हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की, जो विराट कोहली की मौजूदगी के बिना 153 गेंदों में उन्होंने 208 रन बनाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 208 रन बनाए थे। उससे पहले मैच में भारत बहुत बुरी तरीके से हारा था, भारत को अपनी साख बचाने के लिए किसी भी तरीके से वो मैच जीतना था और रोहित शर्मा ने कप्तानी का जिम्मा लेते हुए मोहाली में 153 गेंदों में 208 रन मारे थे, जिनमें उन्होंने 13 चौके और 12 छक्के मारकर भारत को जीत दिलाई थी। तो ये थी दोस्तों मेरे हिसाब से टॉप 5 परफॉर्मेंस। आप भी मुझे कमेंट करिएगा वीडियो में और बताइएगा कि आपके हिसाब से टॉप 5 परफॉर्मेंस ODI में इस साल की कौन सी थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।